ये खीर था ना? हाँ। खीर में घी डाल, घी डालते हैं? अरे वाह, यहाँ पर खीर में घी डाल रहा है। तो पृथ्वी और प्रदीप मिल चुके मुझे, मैं वापस यहीं पे आके इंतजार कर रहा था उन लोगों का, और शुक्र है ये लोग भी वापस इधर ही आ गए, ज़्यादा ढूंढा नहीं इन लोगों ने मुझे। 20 मिनट बाद भले ही आए लेकिन आ गए ये लोग, और हम लोग तैयार हो चुके हैं वापस दिल्ली के लिए जा रहे हैं। जो एक्सपीरियंस किया है मैंने यहाँ पे लठमार होली में, वो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा मैं, लेकिन अभी निकलते हैं क्योंकि रात हो रहा है, टाइम भी हो गया, 6:30 बज गए होंगे, 7 बजे। तो जिन भैया की मैं बात कर रहा था कि जिनके यहाँ रुका हुआ मैं, वो ये भैया, मतलब हम लोग कैसे इनसे मिले, संजोग था ये भी एक इनसे मिलना एक, और इन्होंने उसके बाद फिर जो हमारी खातिरदारी की उस रात से लेकर अभी तक इंस्टे, मतलब हम लोग चाय पी के निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये वो भैया, मैं आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ इन भैया से। तो हम लोग निकलने वाले थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ तूफान आ गया, और ये सुबह से ही इसके आसार थे, मतलब हवा चल रही थी लेकिन अभी बहुत ज़्यादा तेज़ है हवा, और इसलिए हम लोग रुके हैं। और अभी पता नहीं हम लोग यहाँ से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे आज, तो देखते हैं। भी हिल रही है, और हम लोगों ने ये सोचा था कि बाइक हमारी थोड़ी मजबूत है, नहीं मतलब कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन ये बहुत तेज़ हवा चल रही है, अभी नहीं हो पाएगी, अब बिजली भी कड़क रही है। तो हम लोग यहाँ रुके हुए हैं और मैच यहाँ पे चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड का, वो बैठ के देख रहे हैं। जुगाड़ ऐसा है कि प्लेटिना के ऊपर हम लोगों ने ईट रखा और उसके बाद ये यहाँ पे जियो टीवी से हम लोग देख रहे हैं सब मिलके। रजाई मूर्ति भी एक धर्म है, क्रिकेट भी एक धर्म है इंडिया का। अरे ये तो सारे धर्मों को जोड़ने वाला धर्म है इंडिया का। क्या बात है पृथ्वी जी, ओहो हो हो, हम भी मैच देखते हैं और मौसम का अपडेट देते रहेंगे, अगर निकलते हैं वो भी बताते हैं, नहीं निकलते हैं यहाँ रहते हैं वो भी बताते हैं, जैसा होता है बताते हैं। तो मौसम अब साफ हो चुका है और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम निकलते ही है दिल्ली के लिए, टाइम हो रहा है अभी 8:30 बज रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1.5 घंटा या 2 घंटा लगेगा दिल्ली पहुँचने में। और रामवीर भाई ने बोला कि यार जा रहे हो तो खाना खा के जाओ, तो यहाँ थोड़ा खाना खाएंगे और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो ये हम लोगों का खाना, दाल है, पूड़ी है और एक घी है। डॉक्टर साहब ये घी है, ओ ये खीर था ना? हाँ। खीर में घी डालते हैं? हाँ। अरे वाह, यहाँ पर खीर में घी डल रहा है भाई साहब, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये बहुत अलग है, मतलब हम लोग खीर ऐसे खाते हैं, यहाँ पे खीर में घी डलता है। और यार बोलते क्या ऐसे, खीरी बोलते हैं ना इसे, खीरी बोलते हैं ना। कैसा लगा? सब टेस्ट आ रहा है घी से ना। हाँ, ये खीर में क्या होता है वो मीठा ओवर हो जाता है, ऐसा नहीं हो रहा है। और मैं भी ट्राई करता हूँ, ट्राई करता हूँ, मज़ेदार हो रहा है, मिलाते हैं इसे। वाओ यार भाई साहब, बहुत सही। उसके बाद हुआ ये कि जो भी मैंने आगे फुटेज रिकॉर्ड किया उसमें वॉइस ही कैप्चर नहीं हुआ क्योंकि मेरे माइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी। ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ, पहली बार हुआ था ऊटी में, और ये था आज के दिन का पंगा नंबर 1। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और फिर आया पंगा नंबर 2, वो ये था कि मेरे बाइक की हेडलाइट में लो बीम लाइट काम नहीं कर रही थी, तो पूरे रास्ते मुझे हाई बीम लाइट से ही चलाना पड़ा। और फिर तीसरा सबसे बड़ा पंगा ये आया कि हम लोग बीच में चाय के लिए रुके थे और वहाँ से निकलते टाइम मैंने अपना बैग वहीं छोड़ दिया, उस बैग में मेरा पर्स था और कैमरा की बैटरी वगैरह थी। कुछ देर राइड करने के बाद फिर मुझे ध्यान आया कि बैग मेरे पास है नहीं, तो हम लोग ऑल द वे पूरा घूम के लगभग अपना आधा घंटा लगा के वापस उस दुकान में आए और थैंकफुली वो बैग वापस मिल गया हमें। भैया यहाँ पे एक बैग रखा हुआ था ना, थैंक यू भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ हम 2 घंटे में पहुँच सकते थे दिल्ली, वहाँ हमें 3 घंटा लगा। ऐसी हज़ारों प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी जब आप बाहर निकलोगे, ट्रैवल करोगे, मेरे साथ तो अनगिनत चीज़ें ऐसी हुई है, लेकिन एक चीज़ है कि मैंने इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।